दोस्तों, जिन लोगों को दिल और दिमाग से संबंधित कमजोरी रहती है, जिनका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, घबराहट होने लगती है, दिमाग कमज़ोर रहता है जिससे एंजाइटी की समस्या होती है, बहुत सारे विचार आने लगते हैं, दिमाग उनका मजबूत नहीं होता कि कोई भी समस्या आती है तो उसको फेस कर ले वो, दिमाग उनका इतना कमज़ोर रहता है कि छोटी भी समस्या उन्हें बहुत बड़ी लगती है। और जो दोस्तों दिल कमजोर रहता है, जब दिल कमजोर होता है तो छोटी छोटी समस्याओं से घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे उपाय, आयुर्वेदिक उपाय, कुछ घरेलू नुस्खे बताए हुए हैं। एक आज बहुत ही फायदेमंद चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप चाहे तो घर में तैयार करके रख लें और इसका इस्तेमाल किया करें। ये मस्तिष्क को बहुत ज्यादा ताकत देने वाला है और दिल को, जो हृदय होता है, उसको बहुत ज्यादा बलवान बना देता है। दोस्तों, हृदय की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा, दिल की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो दिमागी कमजोरी होती है, जिससे दिमाग वीक हो गया है, याददाश्त की कमी रहती है उनको, बहुत सारी मेंटल्स प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही रामबाण है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है सेब का मुरब्बा। ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो कंपनी का चाहे तो आप ले लें, या आप घर में भी इसको सेब लेकर बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं घर में, तो आप घर में ही इसको तैयार कर लें, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। क्योंकि माताएं बहनें ऐसी हैं जो आंवले का मुरब्बा बनाती हैं, बहुत से मुरब्बे तैयार करती हैं, तो उसी प्रकार से सेब का मुरब्बा भी बन जाता है। अगर नहीं बना सकते तो मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनियों का मिल जाएगा, कुछ लोग बनाकर भी बेचते हैं, मुरब्बे की दुकानों में, अचार की दुकानों पर मिल जाता है, तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी देखेंगे आप, अमेजान पे, फ्लिपकार्ट पे, तो कुछ अच्छी कंपनियाँ हैं ट्रस्टेड, वो बनाकर बेचती हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं सेब का मुरब्बा, नहीं तो घर में भी बना सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी रेसिपी हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हैं, गूगल पे पड़ी हैं, तो आप सर्च करेंगे कि सेब का मुरब्बा कैसे बनाएं, गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी रेसिपी मिल जाएगी, तो आप उनको देखकर भी बना सकते हैं। तो इसको बनाकर आपको रख लेना है, 1 किलो बना लें, 2 किलो बना लें, जितना आप चाहें तो बनाकर रख लें, और बनाकर रख लें इसको 20 ग्राम, सिर्फ 20 से 25 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। मतलब जब आप सेब निकालें तो इसके साथ साथ चाशनी भी आएगी, चाशनी के साथ बनाया जाता है, तो चाशनी भी आएगी, तो उसमें चाशनी लिपटी रहे और सेब जो हो उनका वजन लगभग 20 से 25 ग्राम हो, बस इतना आपको एक बार दिन में लेना है। चाहे तो आप नाश्ते के बाद ले लें, या पहले सुबह खाली पेट ले लें, या नाश्ते के बाद ले लें, फल की तरीके ही होता है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इसको कभी भी दिन में ले लें, शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं, तो किसी भी टाइम आप एक बार ले लिया करें दोस्तों। ये आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देगा, दिमाग को पुष्ट करेगा, और दिल को बहुत ज़्यादा ताकत देगा, दिल को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है दोस्तों दिल को। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको आप नए रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या हल्की फुल्की रहती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई इलाज कर रहे हैं, कोई नुस्खा आप अपना रहे हैं, जैसे मैंने बहुत सारे बताए हैं, तो आप उनको अपनाते रहें, इसको भी बनाकर इस्तेमाल करें या खरीद कर इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत और भी ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर वैसी चीज़ों का हम सेवन करने लगते हैं तो और भी जल्दी फायदा होने लगता है दोस्तों, क्योंकि वो एक बूस्ट मिल जाता है, दोनों तरफ से मार पड़ती है उस बीमारी पे, उस जो डिसीज है आपको, उस पे दोनों तरफ से जब मार पड़ेगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं, नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दे, सामने घंटी का निशान है उसे जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।